हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको कोड़ी पाउडर बनाना बता रही हूँ। इसको गन पाउडर भी बोलते हैं। इसके लिए हमें लाल सूखी मिर्च 8-10 और ये चना डाल दिया है मैंने एक बाउल से थोड़ा कम, और ये भी मैंने करीब करीब सेम ही लिया है। उड़द दाल है ये, धुली हुई उड़द, और ये तिल है, तिल मैंने 4 चम्मच छोटे वाले लिए हैं। हींग, नमक, थोड़ा अमचूर और थोड़ा सा घी। चलिए, हम लोग ऑयल गरम हो गया है, इसमें हम लोग मिर्च को फ्राई करेंगे। ये जो कोड़ी पाउडर है इसको आप इडली, डोसा, राइस सबके साथ खा सकते हैं। खाने के साथ थोड़ा सा प्लेट में लीजिए और उसमें ऑयल, तिल का तेल मिला के या घी मिला के खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए, ये हो गया हमारा। अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं और उसी कढ़ाई में चने की दाल, इसको मैंने अच्छी तरह पोंछ के रखा है, 2 बार पोंछा है मैंने कॉटन कपड़े से। इसको भी हमें हल्का गुलाबी होने तक भूनना है। और इसमें हम लोग ये उड़द भी मिला देंगे, ये धुली हुई उड़द है। और तिल को हम लोग अलग अलग फ्राई करना है, खाली कढ़ाई। इसको हम लोग हल्का गुलाबी होने तक भूनेंगे, फिर ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होके फिर उसके बाद हमें सब पीसना है। ये मैंने लाल मिर्च, चना, चने की दाल और उड़द की दाल को पीस लिया है, और इसी में हम लोग ये मैंने भून के रखा है, तेल ठंडा हो गया, अब हम लोग इसमें मिक्स कर देंगे। इसको भी पीसना, और इसमें स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी हींग। ये ऑप्शनल है, दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते आप लोग। टेस्ट को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा घी। अब मैं इसको पीस के आपको बताती हूँ। ये हमारा कोड़ी पाउडर बनके रेडी। इसमें मैंने तिल भी पीस लिया है। और इसको खाने का तरीका क्या है, जैसे आपने प्लेट में लिया है को थोड़ा सा गैप करके इसमें घी या तिल का तेल, कोई सा भी तिल या घी आप इसमें मिला के खाइए, बहुत अच्छा लगता है। आप बताइए मुझे कमेंट देके के। चलो, मेरे मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट दीजिए। बाय।